अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी तीसरी चीज द बॉयज के बारे में। अच्छा बॉयज बॉयज का एपिसोड वन। मैं सुनो टू मैं, थ्री मैं पृथ्वीराज देख के आया, पृथ्वीराज पे वीडियो बना दिया मैंने उस टाइम तक। एक मिनट, पृथ्वीराज कौन सी मूवी आई थी यार? पृथ्वीराज से पहले और कोई पिक्चर आई थी क्या? मेजर पृथ्वीराज के टाइम पे क्या हुआ था शायद वही, मेरे को खुद का याद नहीं आ रहा। 10 बजे का शो था पृथ्वीराज का हा? और मैं सुबह उठा कितने बजे? 9:40 को उठा, लाइक आंखें खुली मेरे 9:40 को। मैं ब्रश हाँ। किया, मैं मुंह धोया और निकल गया सीधा, ठीक है। और हाँ शायद अब मेरे को पृथ्वीराज था ऐसा मेरे को लग रहा है। मैं गया पिक्चर देख के आया, वीडियो बना दिया, वीडियो बना के डाल दिया, फिर जाके मैं ऐसा खाना खा रहा हूँ, ऐसा पेट एकदम मेरा पकड़ लिया था, गुट गुट करा रहा ऐसा खाना खा रहा हूँ और मैंने बॉइस चालू कर दिया। और उसके पहले जो 15 मिनट में हुआ ये मेरा यहाँ से यहाँ आ गया था, इसीलिए मैंने ट्वीट किया कि भाई तुम कुछ खाते टाइम उसको चालू मत करो। मतलब मेरे को ऐसे उसमें कुछ भी ऐसे नहीं लगा, अनअपेटाइजिंग तो नहीं लगा ऐसे नहीं कि वोमिट हो जाए। अबे वो जो लेकिन जो दिखाया वो कैसा होता है, देखो वो जो होता है वो तो ऐसे बहुत ज्यादा भी शॉकिंग नहीं है क्योंकि बॉयज अपन इतना एक्सपेक्ट हाँ। करते हैं, ठीक है उसके हाँ। बाद लेकिन जो ऐसा कैमरा पूरा नीचे दिखाता है ना कि क्या हुआ है उसके साथ, वो उसके आते वाते उसकी आंतड़ियां गिरी हुई है, मैं बोल रहा नहीं उतना भी मेरे को दिक्कत इतना इतना तो कुछ नहीं था। तुमने टारेंटिनो की मूवीज नहीं देखी लगता है? और क्या इस्तेमाल करेंगे मार्वल की जो थ्योरीज थी उसको, उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं हम कर देते। मतलब अपना जीवन में अपन ने सब देख लिया भाई, सब देख लिया। और हाँ, और पता है मतलब मैंने ना बाद में रियलाइज करा कि वो एक्चुअली मतलब जब ऐसे दिखाते तो थोड़ा सा ब्लर कर दिया था प्राइम वालों ने, तो बाद में मेरे को रियलाइज हो कि वो आगे से जाता है। हाँ, मेरे को भी बाद में हाँ नहीं तो मेरे को आइडिया हो गया था कि आगे से जाता, मैंने बड़ा मॉनिटर बैठ के देख रहा था। तो फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ सिर्फ इंडिया में ब्लर हुआ है और कुछ चीजें बीप करी गई है। हाँ बीप भी करिए, मेरे को समझ में नहीं आया इस चीज के पीछे का पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट। अरे यार तुमको पता नहीं, मतलब पहले सब चलता था, ठीक है। अच्छा वो जब से ये हो गया है वो लॉ पास हुआ है उसके बाद से, एक लॉ पास कर दिया ना, तो इन्होंने कैसा कर दिया, अब खुद ही मतलब जो ओटीटी वाले खुद ही उन्होंने डिसीजन ले लिया कि खुद ही वो लोग सेंसर करेंगे अब इंडिया के लिए तो। लेकिन इससे मेरे को कुछ ज्यादा नहीं, मेरे को सेंस समझ में आ गया था कि क्या चल रहा है, ठीक है। जिसने जिसने सेंसर किया वो भी थोड़ा सही है, मतलब अच्छे से सेंसर किया उसने, दिख जाए और जो बीप भी है मेरे को समझ में आ गया था कि मैं कहना क्या जा रहा है। मतलब वो देखते हुए मेरे को रिलाइज हुआ कि शायद जब डिस्कशन चल रहा था एंड गेम के टाइम कि व्हाट इफ एंटमैन जो है वो थैनोस के जाग अगर फूट जाता तो क्या होता, तो बॉयज के मेकर्स ने सोचा अच्छा हम दिखाएंगे क्या होता है, हम बताते हैं व्हाट इफ, हिम्मत नहीं है हम दिखाएंगे हम। पर जैसे ओवरऑल अगर एपिसोड को क्रिटिक कर रहा हूँ तीनों एपिसोड को, तो मुझे लगता है कि वाला सीजन काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बेसिकली बॉयज का अभी तक पुराने 2 सीजन आपको ऐसे होंगे कि हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आप याद करने जाओगे तो आपको स्टोरी याद नहीं आएगी कि क्या स्टोरी थी, सब्सटेंस क्या था। लेकिन इस वाले सीजन में जो उन्होंने वो सोल्जर बॉय को उस वेपन से कनेक्ट कर दिया है, तो वो एक थोड़ा सेंस ऑफ मिस्ट्री बना हुआ है कि वो वेपन क्या होगा, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। क्या लगता है तुमको, सोल्जर बॉय मरा है अभी तक? नहीं नहीं सोल्जर बॉय मरा नहीं, सोल्जर बॉय को तो मेरे ख्याल से वॉट वालों ने पकड़ के क्रायो फ्रीज कर दिया होगा। अभी खोलेंगे उसको, जब वो देखेंगे ना होमलैंडर खुल गया छुट्टा हो गया तो कहेंगे सोल्जर बॉय को लाओ। वो और वो मैं मतलब बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो थोड़ा बहुत उसको देखा ना तो ये तो समझ में आ गया, देखने में बहुत हराम है। रिकॉर्डिंग करने जा रहा था यूट्यूब पे डाला था किसी ने शायद या अमेज़न। हाँ कैप्टन अमेरिका वाला क्या? नहीं सोल्जर बॉय ही, जब वो कुछ तो रिकॉर्ड लाइन करता है कि who the fuck has written this? Call him, एडगर को कॉल लगा बोलता है मैं नहीं कर रहा लाइन। उसको देख के पता मेरे को एक ही चीज याद आई, वो मौशी चिक्का। कौन लिखा रही है ठंडी लाके देता है ना वो है ना, नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट वो हो गया। और मेरे को वो होमकमिंग का याद आ रहा था, कैप्टन अमेरिका से जो टीवी स्पॉट्स वो तो नहीं एक्चुअली वो है उसी की पैरोडी, लेकिन मेरे को याद वो आया। अरे उसमें ये सारी तुम्हारी क्या कहते हैं थ्योरीज को एक्सप्लोर करता है जो नहीं है, अपन बहुत पुराने डिबेटेबल थॉट था कि बैटमैन एंड रॉबिन गे कपल क्यों लगते हैं, ये भी सोल्जर बॉय और गन पाउडर वाले के साथ करा दिया।